हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्यूक बॉक्स कैसे बना सकते हैं इस बोर्ड में। तो गाइस, इधर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम रख देता हूं ज्यूक, क्योंकि हमने ज्यूक बॉक्स बनाना है। और इधर से मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एक डिटी इंपोर्टर की, इसको आपने ओपन करना है और आपको जो सा भी गाना चाहिए आप ले सकते हैं। मेरे पास चक द इंडिया है एक, और इसको मैं जहाँ पर आपने रखना है उधर आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डर बनाया है ज्यूक, और इधर से इम्पोर्ट मेरे पास दो सॉन्ग है, एक चक द इंडिया है और एक है जज्बा जुनून। क्योंकि अगर मैं अकेले को करूँगा तो मेरे पाकिस्तानी फ़ैन जो पाकिस्तानी हमारे फ़ैन्स है वो फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, इस दोनों को इसलिए इंपोर्ट करना हूँ, इसलिए इस डिटी इंपोर्टर को चाहिए होता है, क्योंकि ASF जो फॉर्मेट होता है ना वो इसमें आ जाता है। तो ये इसका काम गाइस हो गया हमारा ख़त्म। इसको अब अपडेट भी कर सकते हैं अगर आप लोग को चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो अब आपको ये मैं प्रॉपर्टीज में आपको दिखाता हूँ। ASF ये होता है हमारा, ये मीडिया है। अब आपको चाहिए गाइस, आपने ये स्पॉट में जाना है, ऑडियो में जाना है, और ये जो म्यूज़िक है ना इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये है बिग फाइल, तो हमें बिग गुई की हमें चाहिए होगी, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले आपने जाना है ये आ गया, अब आपने ओपन करना है अपना बिग फाइल्स में। हाँ गाइज, यहाँ पे मैंने आपको XML की एक लिंक दी है, फाइल दी हुई है, इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने उधर से जाके ना इसको कॉपी कोड करके बिग फाइल में पेस्ट करके आपने कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो गाइज, अब हमें चाहिए बिग गुई, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये FS एडिटर और बिग गुई की एक ही लिंक होगी, इसके बीच अंदर होंगे। अब इसको ओपन करना है हमने, वो जो ज्यूक में जाते हैं अपना फोल्डर जो हमने बनाया हुआ है। सॉरी गाइज, ये तो ऐसे ही आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट गाइस, बस डिलीट कर दो भाई। तो गाइस, अब आप मैं जाता हूँ ज्यूक में, और यहाँ पे हमारा म्यूज़िक पड़ा हुआ था। अब हमने ना ये पहले सबसे ऊपर वाला ओपन कर लेना गाइस। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा फाइल 11 है, तो सबसे पहले हमारा एग्रोलाइट्स ये है गाइस। इसको आपने सही तरह नोट कर लेना है, इधर से भी कौन सा आपने डिलीट किया है। तो यहाँ पर मैंने एग्रोलाइट्स को डिलीट किया है, और सबसे ओपन कर लिया मैंने चक द इंडिया, ये हो गया। अब ये देख सकते हैं, अब हम इसको रीनेम करते हैं चक द इंडिया को, और इसका जो नेम है इसको कॉपी करता हूँ मैं। और सही तरह आपने गाइस बिल्कुल सही तरह जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। फाइल नेम भी मैं वही दे देता हूँ, आर्टिस्ट भी सेम दे देता हूँ, आप अपना नाम भी दे सकते हैं लेकिन मैं तो वही दूंगा, पर मुझे आर्टिस्ट का नहीं पता। टाइटल भी वही दे देते हैं हम, और एल्बम भी वही दे देते हैं गाइस, ये होगी एल्बम भी। तो इसको मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ, अभी रहने देता हूँ, सेव कर ही लेते हैं पहले गाइस। अब मैं बिग गुई को दोबारा से ओपन करता हूँ, और ये नीचे जो आ रहा दूसरे रीबिल्ड, इसको गाइस आपने कर लेना है। चेप आ रहा है ना, इसको डिलीट करता हूँ और ओपन करवा लेता हूँ है जज्बा जुनून को। तो अब जो गाइस है ये हमने किया था चेप की जगह पर, इधर से आपने ढूंढना है। ये है चेप नीचे चक द इंडिया, दूसरा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ रहा है चेप गाइस। तो गाइस इसका भी हम रीनेम करते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसका नेम, और पेस्ट करते जाते हैं सेम जैसे आगे हमने किए गाइस। बहुत ईजी स्टेप है ज्यूक बॉक्स मेकिंग के। तो गाइस आपको जितने आप 11 डाल सकते हैं, 11 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप सिर्फ 11 गाने डालें और ऐसे ऐसे एक्सचेंज करते जाएँ। टाइटल भी हम वही डालते हैं, जल्दी से डाल देते हैं, एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस। अगर आप टाइटल को थोड़ा सा भी आगे या पीछे कर देते हैं तो आपका जो ज्यूक बॉक्स है ना वो चलेगा ही नहीं, वो सब सॉन्ग्स ही बस चुप हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, इधर से मैं थोड़ा सा इधर से करता हूँ, टाइटल भी वही डालते हैं। टाइटल तो हमने डाल दिया, एल्बम वही डाल देते हैं। एल्बम तक गाइस आपने जाना है, कंट्री वगैरह नहीं है आपने चेंज करनी है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, सिर्फ एल्बम तक आपने करना चेंज, बाकी आपने नहीं करना गाइस प्लीज़। अगर आप करेंगे तो वही मैं आपको बताया आगे, तो आपका सेव सही नहीं होगा। इधर से मैंने कर लिया, सेव करता हूँ मैं, सेव दोबारा से, इसका हमारा ऑल डन, ज्यूक बॉक्स हमारी हो गई गाइस तैयार। यहाँ पे आप देख सकते हैं है जज्बा जुनून वही हो गया। अब इधर से मैं बिग गुई को रीबिल्ड दोबारा से कर लेता हूँ, रीबिल्ड जितनी बार हो सकता है गाइस आप रीबिल्ड कर सकते हैं, 1-2-3 बार। अब इधर से मैं जल्दी से ई स्पोर्ट को ओपन करता हूँ, हमारी जो गेम है, इधर जाता हूँ ई स्पोर्ट ऑडियो, इसको मैं कॉपी करता हूँ
और जहाँ पे हमने ऑडियो पे जाके पेस्ट कर देते हैं कॉपी एंड रिप्लेस, ये आ गया। अब आपने वापस आ जाना है जो मेन डायरेक्टरी है, इधर से इसको भी मैं कॉपी करता हूँ A1, इसकी भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पेस्ट गाइस, हमारा सब सारा काम हो गया। अब आपको सिर्फ सुनाना है कि हमारा वर्क कर रहा है। इधर से मैं थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी कम कर देता हूँ और क्विकर जो सैम को ओपन कर लेता हूँ गाइस। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। हम बहुत ही पास आ चुके हैं 100 सब्सक्राइबर्स पे। आपके लिए एक तोहफा आ रहा है, स्पेशल वीडियो आएगी। तो गाइस 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे करवा देंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं गेम ऑन करता हूँ, जल्दी जल्दी से वही ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स, जूस बॉक्स, ये कैफे लिया को ओपन कर लगाता हूँ पहले। यहाँ पे एक मिनट गाइस, ये आपको आ रही होगी आवाज़, सुनिए गाइस सुनिए, यहाँ पे आ रही होगी आपको गाइस आवाज़, तो सुनिए। बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो तैयार हो चुका है, सुनिए सही गाना आवा आया। अब मैं जो है जज्बा जी उनको ओपन करता हूँ। एक मिनट गाइस ओपन कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा सुना के मैं आपको पूरा प्रूफ देता हूँ गाइस। है जज्बा जी उनको ओपन कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे मैं मैच भी खेल रहा हूँ इधर से, फिर भी वही चल रहा है। तो गाइस अच्छी है, अब मैं गेम को कट कर देता हूँ। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।